हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी जो फट से बनकर तैयार हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे गहरा पैन, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 चम्मच घी। घी जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे 2 कप बेसन। बेसन को ऐड करके हमें इसे तुरंत चलाना है, इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है कि इसमें लम्स ना पड़ जाए। इस तरह से हमें कंटिन्यूसली चलाना है। ये देखिए थोड़ा भुन गया है, अब मैं इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करूँगी और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी बेसन में। ये देखिए इस तरह से आपको मिक्स करना है और धीरे धीरे चलाना है लो फ्लेम पे। और उसके बाद देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे चलाया तो थोड़ा सा घी अच्छे से मिक्स हो चुका है बेसन में। तो अभी यहाँ ये स्टेज पे मैं इसमें 1 और चम्मच घी ऐड करूँगी। आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक साथ घी सब नहीं डालना है। तो मैंने पहले 4 चम्मच डाला था, उसके बाद मैंने और 2 चम्मच ऐड किया, टोटल मैंने 6 चम्मच घी डाला है। अब घी डाल के हम इसे अच्छे से भूनेंगे लो फ्लेम पर, जब तक कि बेसन जो हमारा है ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि बेसन अच्छे से भून रहा है और इसमें से थोड़ा थोड़ा घी भी रिलीज़ हो रहा है। तो बस इसे कंटिन्यूसली हमें 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर ऐसे भूनना है। ये देखिए अच्छे से भून चुका है बेसन और इसमें से थोड़ा घी भी रिलीज़ हो गया है। तो इस स्टेज पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी ऐड करने से क्या होता है, जो बेसन है थोड़े दानेदार हो जाते हैं और लड्डू काफ़ी अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो बस पानी डालने के बाद उसे हमें 5 मिनट और अच्छे से भून लेना है। ये देखिए इस तरह से भूनना है कि बेसन का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए बेसन का कलर चेंज हो चुका है, इसका मतलब हमारा बेसन अच्छे से भून गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने पे के लिए रख देंगे कि ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, नहीं तो शुगर मेल्ट हो जाएगी, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा बेसन ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर 1 कटोरी। इसमें मैंने इलायची भी शुगर के साथ मैंने पीस ली थी, तो अलग डालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर को बेसन में इस तरह से मिक्स करना है कि बेसन शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हाँ, आप इसे अगर हाथ से मिक्स करेंगे तो ये और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह आपको पूरा बेसन और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेना है दबा के। और फिर यहाँ पे अभी हम बनाएंगे लड्डू। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह हम बाकी सारे लड्डू भी बना लेंगे जल्दी जल्दी। ये देखिए इस तरह से कितने स्मूथ और अच्छे बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हैं, काफ़ी टेस्टी दिख रहे हैं और खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। ये देखिए आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो कैसे लगी आपको रेसिपी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक करिएगा।